खरगोन कॉलेज परिसर में मंगलवार को एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र अचानक आमने सामने हो गए। कॉलेज में कहासुनी के बाद पुलिस भी पहुंची। एनएसयूआई के नीलेश सागोरे ने शिकायती आवेदन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। सागोरे ने बताया कि युवा दिवस के उपलक्ष्य में परिसर स्थित भारत माता प्रतिमा पर एनएसयूआई आम कॉलेज के अन्य छात्र छात्राओं द्वारा पूजन एवं माल्यार्पण किया जा रहा था। इसी दौरान एबीवीपी से जुड़े पदाधिकारियों के साथ कुछ बाहरी युवक आए और उन्हें रोका। इस दौरान धक्का मुक्की के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इस मामले में जांच कर कॉलेज की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, हमारा ऐसा है कि हमारा एनएसयूआई छात्र संगठन युवा दिवस के उपलक्ष्य में शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने निकला था। गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के बाद हम भारत माता हाल में भारत माता की मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए थे। उसमें कुछ एबीवीपी के छात्र हमारे सामने आए, हमें माला चढ़ाने से रोका, हमारा विरोध किया और हमें गाली गलौज करी, कुछ अपशब्द भी बोले और हमारे साथ झूमा झटकी करी। इसके लिए हम लोगों ने खरगोन टीआई साहब को ज्ञापन भी दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें अपना प्रिंसिपल सर सख्त पल्ला झाड़ते हुए दूर हट गए। कैंपस के अंदर राजनीतिक संगठनों के दौरान भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे, इसका क्या? सर, इसके पहले भी एक बार घटना हो चुकी थी, जैसे कि कैंपस में शिक्षा मंत्री का प्रवेश था तो शिक्षा मंत्री आए थे जब इन्होंने अपने झंडे बैनर लगाए थे। आज भी यही घटना हुई अंदर, अभी भी भारत माता हाल में इन्होंने अपने बैनर लगाए, झंडे लगाए। हमने प्रिंसिपल सर को बताया भी कि सर, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई राजनीति नहीं करने आते हैं। प्रिंसिपल सर ने स्पष्ट हमें ये जवाब दिया कि तुम्हारे से जो बने वो कर लो। क्या नाम है आप? मैं सर नीलेश सागोरे, परिसर अध्यक्ष, चेन्नई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।